हाई एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भसीन, वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी बिल्कुल साइडलाइन थी, हमें कुछ ज़्यादा बड़ी मोमेंटम्स देखने को नहीं मिली। इसके अलावा वेडनेसडे था, कल एक्सपायरी है और FOMC की मीटिंग का आउटकम भी आना है, तो उसके बेसिस पे मार्केट ने भी थोड़ा हॉल्ट करा है और देखना चाहते हैं कि क्या वो जो मीटिंग होगी। ऑलरेडी हमें पता है कि 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक होने वाला है, बट आफ्टर दैट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर वो क्या बातें होंगी वो डिराइव करेगा मार्केट की अपमूव या डाउनफॉल को। अगर ज़्यादा कुछ हॉकिश नहीं होता तो मार्केट साइडवेज टू स्लाइटली अप ट्रेंड भी जा सकती है। अदरवाइज अगर कुछ हम देखते हैं नेगेटिविटी उनकी बातों में लगती है तो फिर हम लोग एक बियरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कल के दिन से, तो वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं और कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है वो भी एक बार बात कर लेते हैं। इसके अलावा गाइस, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहां पे हम BTST ट्रेड्स आपको देते रहते हैं, जो कि आप आज 3 बजे खरीद सकते हो और कल सुबह जब गैप अप ओपनिंग होगी तब आप उसे एग्जिट कर सकते हो विद सम प्रॉफिट। सो आप वहां पर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकती है, कल की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है और आउटकम किस तरफ आता है, तो कैसे हम अपनी प्लानिंग कर रही है। चलते हैं। हाय एवरीवन, सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं एंड क्लियरली कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी, दैट इज इट क्रिएटेड अ बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इट गेव अ ब्रेकआउट यस्टरडे बट विद अ डोजी कैंडल। कल हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 15 मिनट भी नीचे रहती है तो एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आ सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर, लेट मी जस्ट शो यू दैट यस्टरडे इज हाई, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है 15 मिनट सस्टेन करती है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। सो राइट नाउ मार्केट डेफिनेटली गैप अप खुला इस लेवल पे ही एग्जैक्टली एंड आफ्टर दैट एक सेलिंग प्रेशर आया। सो हम इतना तो मान के चल सकते हैं कि इस 18,180 टू 18,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता हम लोग साइड लाइन टू स्लाइटली बियरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो कि मैं ये लाइंस को रिमूव कर देता हूँ एंड एक सिंपल लाइन में और ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज दिस पर्टिकुलर लाइन। ये एक रेंज है, दैट इज 18,060 से लेके 18,180 रुपीज तक का। अगर ये रेंज के अंदर मार्केट है तो दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये साइडवेज मार्केट है। अगर एक नीचे फॉल आता है और 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज करती है ऑन एन डाउन साइड और ऑन एन अप साइड, तब हम लोग एक मोमेंटम चेजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कि ये एक रेंज था, इस रेंज के नीचे इट गेव अ क्लोजिंग बट अगेन इट साइडेड ट्राइड टू गो अप और वहाँ पर ऊपर जाके क्लोजिंग कर गया। सो हमें एक चीज़ तो पता चल गई है कि नीचे जा रहा है बट वो फॉल्स ब्रेकडाउन के चक्कर में एक बाइंग प्रेशर भी आ रहा है। हम लोग देखते थे कि मार्केट फॉल करने की कोशिश करती थी बट कुछ देर बाद हम देखते थे कि मार्केट दोबारा रिकवर कर रही है। सो पूरा साइडवेज ट्रेंड ही था एंड प्रीमियम डिके ही पूरा का पूरा हो रहा था मार्केट के अंदर। सो प्लानिंग कैसे करनी है, लेट्स से कि मार्केट 75 बेसिस पॉइंट जो बढ़ रही है वो बढ़ती है एंड एक नेगेटिव स्पीच हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं जो हमें लगता है कि मार्केट को डिराइव कर सकता है और उसके बेसिस पे US मार्केट पे भी हम एक फॉल देख रहे हो। अभी तो कुछ ज़्यादा फॉल नहीं आई है बट अगर ज़्यादा 300, 500, 600 पॉइंट की अगर गिरावट आती है देन हम क्या कर सकते हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप डाउन एंड जो गैप डाउन आ सकता है वो 18,000 या 17,960-950 के आसपास आ सकता है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस कि ये इस लेवल के आसपास तक का इस रेंज के अंदर कहीं पर भी एक ब्रेकडाउन या गैप डाउन आ सकता है। अगर लेट्स से कि वो गैप डाउन आता और इसके नीचे नहीं जाता, इन लेवल्स के बीच में ही गैप डाउन आता है, देन देयर अ हायर चांस कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड को ही चूज करे एंड लास्ट कुछ आर के अंदर हम लोग एक अपसाइड या फिर एक डाउनसाइड दोबारा एक्सपेक्ट करें। ठीक है, सो उसके बेसिस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। बट अगर कोई सिंपल सेंटिमेंट आता है, कुछ ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं आती है एंड नेगेटिव भी नहीं रहते ना पॉजिटिव रहते हैं, साइडलाइन रहते हैं, और मार्केट अगर ब्रेक करती है 18,120 को, देन हम लोग एक बाय सेटअप भी ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ दिस वेयर इट क्रिएटेड अ डबल टॉप और ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम अपनी एंट्री प्लानिंग दोबारा रिक्रिएट करेंगे बट नॉट आफ्टर दैट। ठीक है, सो मार्केट एक क्लियरली एक डबल टॉप स्ट्रक्चर बना चुका है, बस वी हैव टू चेक कि ये लेवल ब्रोक होते हैं नहीं होते, बिकॉज अगर इसके नीचे चला गया तो मार्केट में हम लोग एक अच्छी डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पॉसिबल रिट्रेसमेंट वी कैन एक्सपेक्ट जो इतनी बड़ी अपमूव हमें विद इन कपल ऑफ डेज या वीक्स देखने को मिली है। एक बार चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट डाटा की तरफ, तो ओपन इंटरेस्ट डाटा पे ऑलमोस्ट 18,100 से लेके 18,200 तक पुट राइटर्स ने अपनी पोजिशन को अनवाइंड करा है, विच इज अ बैड साइन। ठीक है, इसके अलावा कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 18,100 टू 18,500 तक, तो क्लियर साइन ऑफ साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड ही हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखा रहा है। अदरवाइज अगर कल गैप अप आता है तो ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर ये इसी लेवल पे खुलती है मार्केट या नीचे खुलती है
तो हम लोग बियरिश मार्केट ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के सेटअप पे। सो बैंक निफ्टी का एक बार सेटअप ओपन करते हैं, एंड कल हम लोगों ने डिस्कशन करी थी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर जाता है तब हम अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट हम लोगों ने ट्रेड आपको कुछ दिया नहीं, बिकॉज सेम चीज हुआ जो निफ्टी के अंदर हुआ था कि एक बियरिश कैंडल तो क्लोज हुई बट अगली कैंडल ऊपर चली गई। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ, बैंक निफ्टी इसी लेवल पर सस्टेन करती रही, ऊपर लेवल पर रिजेक्शन लेती रही, विच इज अ बैड साइन, मतलब विच इज अ बियरिश साइन फॉर बैंक निफ्टी। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हमें बाय सेटअप क्रिएट करना है दैट शुड बी अबव दिस लेवल, दैट इज 41,230 रुपीज, एंड अगर हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है दैट शुड बी बिलो दिस लेवल, दैट इज 41,060 रुपीज के नीचे, ठीक है। सो दिस इज अ रेंज, इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, इस रेंज के ऊपर या नीचे हम अपना एक बाय या सेल ट्रेड पॉसिबली प्लान कर सकते हैं। वही सिनेरियो होगा अगर मार्केट ने एक सिंपल सिनेरियो दिया या फेड की तरफ से आया, सो हमें कैसे प्लान करना है, ऑन अ बाय साइड एंड ऑन अ सेल साइड हमें कैसे प्लान करना है। सो एक बार मैं आप लोगों को इसका भी दिखा देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट का डाटा, इसका भी डेफिनेटली वीक होने वाला है, एंड आप चेक कर सकते हो कि कॉल एंड पुट राइटर्स तो ऑलमोस्ट 41,500 से एग्जिट मार ही चुके हैं, एंड हैवी पोजिशंस बनी है 41,200 पे। सो लेट्स सी किस तरीके से पेशेंटली वेट होता है एंड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो आप फर्स्ट स्टॉक इज कैम्प्स, कैम्प्स को एक बार स्टडी करते हैं, एंड लेट मी ओपन टू आवर्स टाइम फ्रेम। सो ऑन अ टू आवर्स टाइम फ्रेम इट क्रिएटेड अ बुलिश बैट पैटर्न, सो एक बुलिश बैट पैटर्न क्रिएट करा, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। सो यस, इट क्रिएटेड अ बुलिश बैट पैटर्न एंड ऑलमोस्ट 78% पे ही इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लेट मी जस्ट शो यू, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड RSI का बुलिश डाइवर्जेंस वी आर सीइंग। सो अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, इस जोन के ऊपर अगर ये निकलता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ द जोन फॉर यू, ये जोन है, दैट इज अबव 2,511 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है, देन देर इज अ हायर चांस कि वी कैन एक्सपेक्ट अ 30-40 रुपीज अप मूव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कैम्प्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन, या सो दिस इज द पैटर्न दैट आई एम टेलिंग यू। सो एक डबल बॉटम है, एक RSI का बुलिश डाइवर्जेंस है, वी जस्ट नीड टू बी अ वेरी गुड क्लोजिंग ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, देन डेफिनेटली वी कैन एंटर इन दिस ट्रेड। अ नेक्स्ट स्टॉक इज Aster DM, ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने एज अ BTST ट्रेड भी दिया है एंड कैम्प्स भी मैंने दिया ही है, सो दोनों स्टॉक्स मैं ऑलरेडी एज अ BTST ट्रेड दे चुका हूँ। ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बहुत अच्छे रैली और एक अपमूव के अंदर है एंड इट्स कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। सो आप देख सकते थे कि एक अच्छा अपमूव दिया था, इट क्रिएटेड अ रिट्रेसमेंट एंड आफ्टर दैट अगेन इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। अब आप चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 8 सितंबर 2022 से ट्राइंग टू गो अप अबव 260 लेवल, बट क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती थी, ऊपर लेवल से रिजेक्शन एंड अगेन एक सेल ऑफ हमें मल्टीपल टाइम्स ओवर द लास्ट एक महीने में हमें देखने को मिला है, बट टुडे इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट अबव दिस लेवल और इसी लेवल पे हम लोगों ने सजेस्ट भी करा, आई थिंक आप लोगों को 261 रुपीज के आसपास, एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, इसने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करा है आज के ट्रेडिंग सेशन पे, एंड आई पर्सनली थिंक कि कल अगर ये एक साइडलाइन भी हो जाता है तो परसों एक बड़ी मोमेंटम दे सकता है और शायद कल भी दे सकता है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एक अच्छे रिटर्न ये दिखा सकता है। फॉर अ टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेक श्योर टू ज्वाइन अस टेलीग्राम चैनल, उधर मैंने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक पोस्ट कर दिया है। बात करते हैं लास्ट स्टॉक, दैट इज सुप्रीम इंडस्ट्री। सो लेट मी ओपन दिस स्टॉक फॉर यू, इट क्रिएटेड अ बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न राइट हियर, and let me just show you, so it created a very good bullish head and shoulder pattern and I personally think ye ek acche targets dikha sakta aane wale time ke andar। so main ek volume profile indicator use kar raha hu, as you can see it here sabse zyada jo volume pressure hai that is between this level, theek hai, so not at this we can say at this level। सो अगर ये 2322 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है, जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स ऑफ वॉल्यूम्स है, उसके ऊपर कोई भी वॉल्यूम नहीं है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस एंड अ सेकंड टारगेट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, दैट इज द ऑल टाइम हाई। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू लेवल्स विद इन अ वीक और सो, बट आई पर्सनली थिंक अगर हम इसके ऊपर एक बाय करते हैं विद इन अ अर्ली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर या 30 मिनट्स क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एक कैंडल बुलिश, तो हमें एक अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं और एक अच्छा स्विंग ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। सो मेक श्योर टू वॉच सुप्रीम इंडस्ट्री एज वेल। सो थ्री स्टॉक्स थे जो मैंने बता दिए, कैम्प्स, सुप्रीम इंडस्ट्री एंड Aster DM।
मेक श्योर आप इसको वॉच करो, न्यूज़ पढ़ो, एफओएमसी की मीटिंग में क्या आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें चल रही है, उसके बेसिस पे एजम्पशंस लगाओ एंड टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़ को रिलेट करके देखो, डेफिनेटली वो मैच करेंगे एंड एग्जैक्टली वैसा ट्रेड करना है. सो हैव अ गुड डे गाइस एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. एंड गाइस if you are really interested in joining with us the Investrology, so aap do tarikon se contribute kar sakte hain. First is you can open an angel broking account with us, jo link pe aapko description pe mil jayega. Yes, or you can personally whatsapp us, aap wahan pe account open karwa sakte hain and aap funds ko add karke jo bhi hum aapko trade setups apne private telegram channel ke andar denge, that you can take and every saturday sunday hum aapko technical analysis ke bare mein pura train bhi karenge. So it's a 3 months course जो आपको free of cost मिलेगा. You just have to open the account, add your funds and trade with us in Angel Broking. There is a second option as well that वो हम coming up लेकर आने वाले हैं, but it's a paid and don't worry, हम Telegram के अंदर आप लोगों को बता देंगे. So make sure to follow us there. Have a good day guys. Bye bye.